पूर्व विधायक एवं अधिवक्ता स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में शनिवार को बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर सभागार में स्मृति एवं संकल्प दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन चित्रगुप्त मंदिर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया और शिलापट का शिलान्यास किया। मुख्य अतिथि को चित्रगुप्त मंदिर के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और आदर्श तथा विषम परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति अवधेश बाबू की विशेषता थी। लोक कल्याण तथा सर्वधर्म संभाव के साथ ही संकीर्ण राजनीति से ऊपर अवधेश जी का योगदान वर्तमान राजनीति के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि कायस्थ राजनेताओं ने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में शुचिता, पारदर्शिता और आदर्शों का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज़ादी के पूर्व व बाद में भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में कायस्थ नेताओं और समाज सेवियों की अग्रणी भूमिका रही है। चित्रगुप्त मंदिर के लिए स्वर्गीय अवधेश जी के परिवारिक जनों के योगदान की प्रशंसा करते हुए स्वर्गीय अवधेश श्रीवास्तव के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्वर्गीय अवधेश श्रीवास्तव के परिवार से पौत्र शैवाल शंकर श्रीवास्तव, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, मंत्री अखिलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, मून शिवांगी आलोक, चित्रगुप्त मंदिर सभा के पूर्व अध्यक्ष ओपी वर्मा, धर्मेंद्र नाथ वर्मा, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, हरिनंदन श्रीवास्तव, राय अजय, राधा मोहन श्रीवास्तव, कमलाकांत श्रीवास्तव, गंगा दयाल श्रीवास्तव, केसी विश्व प्रेमी, अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, समाजसेवी विवेक कुमार अस्थाना, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में चित्रांग समिति के लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्वर्गीय अवधेश श्रीवास्तव के पौत्र शैवाल शंकर श्रीवास्तव ने कहा, सौरभ श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव और
के संचालित नहीं हो सकता, लेकिन कायस्थ
कायस्थ अपने आप में विधा है, एक कला है, और मैंने कभी नहीं देखा है कि कायस्थ समाज के लोग केवल इस मंदिर को केवल कायस्थ समाज के ही लोगों के लिए उपयोग कराते हैं। मैंने यहाँ पे गरीब कन्याओं के सामने को देखा है, गरीबों के विभिन्न प्रकार के आयोजनों को इस मंदिर में देखा है, विभिन्न आयोजनों में मैं स्वयं यहाँ पर सहभागी बना हूँ। उस संकीर्णता से ऊपर उठकर जो समाज कार्य किया है, समाज के लिए वही प्रेरणा बना है। आजादी के पहले की बात में छोड़ भी दूं, आजादी के बाद राजनीति में भारतीय राजनीति को और भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में जिन महापुरुषों ने बहुत बड़ा योगदान किया था, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कौन उनके कृतित्व को विस्तृत कर सकता है। भारतीय राजनीति ने अत्यंत निष्पक्षता के मूर्तिमान स्तंभ तो थे ही, लेकिन भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए, इसका उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। और भी और आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात आई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था कि राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में न जाए, लेकिन उस सबके बावजूद उन्होंने उसकी चिंता के बगैर सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को अपने हाथों से शुरुआत करने तो वह दिखाया था साहस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश के अंदर सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और मूल्य और आदर्शों को लेकर के कैसे हम देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उसके उदाहरण है। जब चर्चा होती है, एक छोटा सा कार्यकाल शास्त्री जी को मिला था प्रधानमंत्री का, लेकिन उस छोटे से अपने कार्यकाल के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को स्वावलंबी बनाना और भारत के दुश्मनों के दांत खट्टे करने की कला भी कैसे आनी चाहिए, यह कार्य भी सेना के सौरभ पराक्रम का लोहा दुनिया को मनवा करके इस बात का आभास कराया कि महापुरुष किसी एक जातीय संकीर्णता के इसमें कभी नहीं रहे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, उन्होंने अपनी कर्मठता से, उन्होंने अपने परिश्रम से समाज के पूरे समाज में, भारतीय समाज के अंदर उन्होंने अपना स्थान बनाया और उस स्थान बना करके लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान की। आज देश पूरे गौरव के साथ, पूरे सम्मान के साथ आजादी के बाद के महापुरुषों की श्रृंखला में जब स्मरण करने की बात आती है, तो अग्रिम पंक्ति में जिन महापुरुषों को स्मरण करता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी वह स्मरण करता है। और ये लगता है ये महापुरुष हम सबकी प्रेरणा के आधार है, जिन्होंने किसी भी संकीर्णता से ऊपर उठ कर समाज को एक नई दिशा दी, समाज के सामने कुछ नए मूल्य और आदर्श रखे और उन मूल्य और आदर्शों पर भारत के लोकतंत्र की जो खड़ी हो पाई। आज भारत का लोकतंत्र दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाया है, उसके पीछे कारण इन महापुरुषों की प्रेरणा थी, इन महापुरुषों का संघर्ष रहा है, इनका परिश्रम रहा है, इनका पुरुषार्थ रहा है, जिसके बल पर भारत दुनिया के अंदर अपने लोकतंत्र को लेकर के जाता है और दुनिया को बताता है कि कैसे 120 करोड़ लोगों का ये लोकतंत्र तमाम प्रकार की विभिन्नताओं के बावजूद उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक भाव और एक भंगिमा के साथ भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है उस कार्यक्रम का आधार अगर कोई बन सकता है तो हमारा कायस्थ समाज बन सकता है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, कल स्वर्गीय देश बाबू की 95वीं जयंती का कार्यक्रम भी, 13 अप्रैल को दिवंगत हुए थे, 14 अप्रैल को उनकी
उनका जन्मदिन भी होता है और कल उनका 95वां जन्मदिन भी है। यानी एक संजोग बना है और मैं इसी सहवाल सुनकर श्रीवास्तव से कहूँगा कि वह यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर सभा की तरफ से यहाँ पर सुंदरीकरण का जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया है, इस कार्यक्रम को बनाए और चुनाव के बाद एक बार मेरे साथ में बैठे, बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे क्योंकि शहर के बीच में एक अच्छा केंद्र न केवल कायस्थ समाज के लिए तो पूरे समाज के लिए बहुत अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जा सकती है। और इस क्रम में हम लोग सदैव आप लोगों के साथ में खड़े हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर आप सब ने इस बड़े आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, पहले भी आपके साथ में थे, आज भी आपके साथ में है, मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सब के प्रति हैं। मैं स्वर्गीय देश भावों को आज के इस अवसर पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि राजनीति में जिन बल्ले और आदर्शों को लेकर के स्वर्गीय देश भावों ने अपना जीवन जिया था, उन बल्ले और आदर्शों के लिए हम सदैव हम सब मिल करके एकजुट होकर के कार्य करेंगे। आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आज मेरे बाबा स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी की चौथी पुण्यतिथि थी, उसी के अवसर पे हमारे परिवार ने निर्णय लिया था कि इस परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ आर्थिक अंशदान दिया जाए, उसी का आज कार्यक्रम ये चित्तगुप्त मंदिर सभा में आयोजित था।